बेसिक चीज गलत करके आ गया लग रहा है। तीन दिन से नहीं सोया हूँ, तीन दिन से सोए नहीं है, डीके से टॉप कर रहा हूँ मैं, देख लेना। इसके ऊपर लग गया लग रहा है कि एमबीबीएस में आगे मैं क्या कर रहा हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी 5 दिनों बाद हमारे एमबीबीएस के फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाले हैं, तो अभी तो मैं स्टडी रूम जा रहा हूँ पढ़ाई करने, और ये मैंने दूध लिया हुआ है। आज तो मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। ये हमारी बसेस हैं और हम लोग यहीं से कॉलेज जाते हैं। ये दोनों बॉयज बस, वो गर्ल्स बस। यहाँ पर है हमारा स्टडी रूम। यहाँ पर मैं पढ़ूंगा। गाइस, अभी तो मैं स्टडी रूम से वापस हॉस्टल जा रहा हूँ और रात के अभी 10:30 बज गए हैं। वैसे ही परसों से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। प्रिपरेशन बहुत अच्छी तो नहीं है, काफ़ी कुछ पढ़ने को रह गया है, तो कैसे भी करके कल वो सब पढ़ना होगा। सो गाइस, कल से हमारे एमबीबीएस के फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। कल हमारा एनाटॉमी का एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद फिजियोलॉजी का, देन बायोकेमिस्ट्री का। हमारे टोटल 3 एग्ज़ाम्स होंगे और 3 प्रैक्टिकल्स। हमें इनमें से किसी भी एग्ज़ाम या फिर प्रैक्टिकल में कोई गैप नहीं मिला है। और अगर बात करें प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन मेरी बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ही है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए हैं और उनको रिवाइज कर लिया है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट रहता है, तो लास्ट में सारी चीज़ें रिवाइज करना में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। और मेरी प्रिपरेशन कैसी है ये तो कल फाइनल एग्ज़ाम के बाद पता चल ही जाएगा कि एग्ज़ाम कैसा गया। और वैसे आज रात को भी काफ़ी कुछ मैं पढ़ूंगा, तो क्योंकि ये हमारा एमबीबीएस का फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये फीलिंग, ये सारे ये एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कि एग्ज़ाम की जस्ट पहले वाली नाइट में बच्चों का कैसा रिएक्शन रहता है, उनकी फीलिंग्स कैसी रहती हैं। तो फिलहाल तो मैं आपको ले चलता हूँ मेरे फ्रेंड्स के पास, कि चलिए देखते हैं वो लोग अभी क्या कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा पढ़ाई चल रही है। ये हमारा जय भाई है। ये क्या पढ़ा जा रहा है? ये लंग्स पढ़ रहे हैं। हाँ, तो कल एग्ज़ाम है, तो भी जा पढ़ ले साले भी। हाँ, तो जय, कैसी प्रिपरेशन चल रही है तुम्हारी? कल पास हो गया ना, तो मैं भगवान को 10 लड्डू चढ़ाऊंगा और वो खुद खा जाऊंगा। और वहाँ भी देख सकते हैं आप, भारी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं एक टॉपर। क्या लगता है जैक, कल का एग्जाम कैसे आने वाला है? इजी? कल का एग्जाम तो सर ने बोला थोड़ा टफ आने वाला है। राय तो खैर कोई नहीं है उसका। वैसे पढ़ाई करते ही कौन है? फर्स्ट ईयर में ऐसे कोई नहीं पढ़ता, सीनियर भी बोलते मत पढ़ो, एग्जाम के एक दिन पहले समझ में आता है काश पढ़ लिया होता, फिर मेरी बैंड बजी पड़ी है, फिर आकर बाहर निकल जाते। ये हमारी कॉलेज का टॉपर है, देख सकते हैं आप इसकी पढ़ाई, आप इनका डेडिकेशन लेवल देख ही सकते हैं। कल रात को 3 बजे तक ना जग कर पढ़ाई किया है, और फिर सुबह 5 बजे फिर से लग गए, ना कोई खा ना पीना, नहाने से कोई मतलब ही नहीं है, बस पढ़ाई और पढ़ाई। ये टॉपर्स की टेबल, ये स्टडी टेबल है, जितने हमारे रूम में तीनों लोगों की बुक्स नहीं होंगी उतनी इनकी अकेले बुक्स हैं। अब पढ़ाई तो नेक्स्ट लेवल की है इनकी। ये दरवाजे के पीछे छुप। तो गाइस, ये मेरा रूम है और ये मेरे दोनों रूममेट्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी जोर शोर से पढ़ाई चल रही है। और ये अंकुर है और ये रामनाथ। अब आप देख ही सकते हैं, मतलब इन लोग का डेडिकेशन लेवल देख सकते हैं।
नीचे ही बैठ कर पढ़ रहे हैं पूरे टाइम पढ़ाई, मतलब समझ सकते हैं ना। अब देखिए अभी डायग्राम की प्रैक्टिस हो रही है शायद, डायग्राम की प्रैक्टिस की जा रही है, तैयारी पूरी हो चुकी है। और ये रामनाथ है, तो अब देख सकते हैं क्या पढ़ा जा रहा है। ये तो जो भी हमारी समझ से परे है, समझ में नहीं आ रहा जो भी पढ़ रहे हैं। तो कैसी चल रही है रामनाथ तैयारी? कहीं टॉप अप तो नहीं करने वाले हैं? तो पता नहीं, लिख पाएंगे इतना एग्जाम पास हो गया। तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग अभी टॉपर्स के रूम में आ गए हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई चल रही है क्या? सॉरी यहाँ पढ़ाई नहीं, यहाँ तो बहुत जोर शोर से फोन चल रहा है दोनों का। हाँ तो लगता है इनकी सारी पढ़ाई हो चुकी है, तो पूरा रात पढ़ाई, फोन पढ़ाई, पूरी रात जागना है, कुछ ज़्यादा भी नहीं है फोन में। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं भाई साहब। ये हमारा अद्वैत ब्रो है। हाँ तो अद्वैत, हो गई सारी पढ़ाई? नहीं, क्या बाकी रह गया है? सारा देख के तो नहीं लगता है भाई साहब, ये हमारे बैच के टॉपर हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या ही बाकी रह गया होगा। स्टडी टेबल भी देख लीजिए, इनकी तैयारी नेक्स्ट लेवल की रहती है। तो अब लगता है कल टॉप अप करने वाले एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम पास हो जाएंगे। ये गुणा साई है, इसकी प्रिपरेशन फुल। खाना खा रहा हूँ बे। खाए गए इतने, अब देख सकते हैं नमकीन खाकर काम चलाया जा रहा है। ये पढ़ने वाले लोग भाग गए, खाना है केवल नमकीन से ही काम चलाया जा रहा है, और आज पूरी रात जागने वाले हैं। गाइस अब देख सकते हैं एग्जाम है तो कैसा खौफ है एग्जाम का। पढ़ाई देख सकते हैं, बस मेरी पढ़ाई। और कोई पढ़ रहा है क्या? एनाटॉमी का पेपर है, 80% लोग फेल होने वाले हैं, बाकी 20% उड़ गया है। वो पढ़ाई, यहाँ भी पढ़ाई, ऐसे होते हैं टॉपर्स लास्ट मोमेंट तक। हाँ भाई उत्कर्ष कैसा गया तुम लोग का एग्जाम? थोड़ा कुछ भैया बेसिक चीज गलत करके आ गया लग रहा है। बेसिक चीज मतलब क्या लगता है कितने मार्क्स तक आ जाएंगे? और क्या लगता है पीसीटी से इजी आया था या फिर भाई साहब यहाँ पर देख सकते हैं ये मुकेश और ये सुदीप्ता दोनों पेपर चेक कर रहे हैं कुछ। हाँ भाई पेपर बहुत मस्त था, जो कि बहुत सारे बच्चे फेल होने वाले हैं। पढ़ने वाले लोग हैं इसीलिए थोड़ा इनसे पूछ लेते हैं। हम जैसे कल अच्छे से पढ़ फेल वीडियो। और प्रदीप सर आप फेल है,
मैं तो बस ब्रोकोली इसका डायग्राम बना के आ गया और कुछ नहीं लिखा वेंचर। परसों का भी फेल की उम्मीद कर रहा है, टॉप कर रहा हूँ, नीचे से टॉप कर रहा हूँ मैं, देख ले। अब प्रदीप सर आप हमारा इसके ऊपर लगा दिया। फ्रेंड्स आज से हम लोग का वाइवा स्टार्ट था, तो आज तो मेरा फिजियो का वाइवा था, वामसी तुम्हारा बायोकेम का वाइवा हुआ, बायोकेमिस्ट्री का, और नवीन तुम्हारा किस चीज का था, फिजियो का। वैसे कैसा गया तुम लोग का वाइवा? ठीक था वाइवा। क्वेश्चन कैसे आए थे? हाँ माशाल्लाह। और क्लिनिकल में? क्लिनिकल में हाँ सर थोड़ा स्ट्रिक्ट। हाँ वामसी कैसा रहा बायोकेमिस्ट्री का? बायोकेमिस्ट्री का बहुत ज्यादा खौफ था, बच्चों को लग रहा था कि पास होंगे भी या नहीं। अगर तुमको ना आता है ना तो हो जाएगा। बोले भाई दीपाली मैम के पास में मैं गया, ये ले इसको चलते हैं, वो चीट्स में एक मेरे को डिफरेंशियल लेकर टेस्ट कर रहा। कैसा गया वसंत एग्जाम? इट वाज हॉरिबल। जैसा सोचे उससे ज्यादा या कम? व्हाट कम? एक्सपेक्टेशन आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग ओनली बट आई गॉट आई गेट नेगेटिव आई थिंक आई कांट टेल। मराठी में समझ नहीं आएगा भाई, सब चलता है। क्या लगता है कैसा पास हो जाएंगे ना? बस टॉप तो नहीं करना है, टॉप अप तो नहीं। नीचे से अरुण का तो बहुत अच्छा गया है, चेहरा ही देख के आप देख कर समझ ही सकते हो उसका चेहरा। देखे भाई टॉप मार दी, आग लगा दी, आग लगा दी। लोग नेपाल से आए हैं इधर प्रैक्टिकल देने, वाह वाह। कैसा गया? मस्त अच्छा गया। वाइवा भी अच्छा था, रैमले भी अच्छा था, हाँ सब अच्छा था। क्या पूछा गया? वो नहीं याद आ रहा। लेकिन फिर भी अच्छा गया। और प्रैक्टिकल क्या मिला था तुम्हें आकांक्षा? मुझे मिला था अपाइकल बीट। अपाइकल बीट? अपाइकल बीट होती नहीं अपेक्स। फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिकल तो मेरा फिजियो का काफ़ी ठीक ठाक ही था, और कल मेरा एनाटॉमी का प्रैक्टिकल है, तो उसके लिए काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर हिस्ट्री प्रिपेयर करनी पड़ेगी, एम्ब्रियो और ग्रॉस में भी ऑस्टियोलॉजी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, मतलब आप सोच सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज वो सारी चीज़ मुझे जाके पढ़ना पड़ेगा ताकि कल का प्रैक्टिकल भी अच्छा हो जाए, नहीं तो सभी बायोकेम एनाटॉमी सब डिफिकल्ट। आज किस चीज़ का था तुम लोग का प्रैक्टिकल? कैसा गया तुम दोनों को प्रैक्टिकल्स? कैसे रहे? हाय आज हम लोग के एग्जाम खत्म हो गए हैं और प्रैक्टिकल फिनिश हो चुके हैं, तो आज हम देखते हैं चलिए सारे लोग कैसा फील कर रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे आप लोग एग्जाम के बारे में? कैसा गया? काफी रिलैक्स फील कर रहे हैं। हाँ और इतने दिन से हमने खूब ज्यादा पढ़ाई की, सही है। कई लोग कृति जैसे लोग तो रात रात पर पूरी जाग कर पढ़ाई की, पूरी रात 3 बजे तक, 3 बजे से नहीं, 3 दिन से नहीं सोया हूँ, 3 दिन से सोए नहीं है यार। अब हफ्ता भर नहीं सही बोली। कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत ज्यादा लग रहा है कि प्रैक्टिकल बहुत डुबा के आए हैं। नहीं मेरा अच्छा हुआ, जितना बायोकेम के लिए टेंस लगता है अच्छा हुआ। कहीं किसी का मन तो नहीं करके एमबीबीएस छोड़ दे? भागने का ऐसा लग रहा है कि एमबीबीएस में आगे मैं क्या कर रहा हूँ साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और ये होता आज तुम लोग की प्लानिंग क्या है आज या इस वीक में? सुना है मूवीज आकृति की, साउथ की मूवीज रह गई होंगी बहुत सारी, फैंटेसी पूरी। कहाँ घूमने कहाँ जाने वाले हैं? नहीं जाएंगे, खेलेंगे। सही बात है, बहुत दिन से नहीं खेले किसी ने। बाय। एग्जाम खत्म हो गया, कैसा लग रहा है तुम लोग को? ये अपना जय भाई है, ये अमन ब्रो, ये भी दोनों भाई एमपी से ही हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? मोबाइल चला रहा हूँ, थक गया, 5-6 दिन से एग्जाम दे रहा था आज, लेकिन एग्जाम दे रहे थे हम लोग, पढ़ाई भी कर रहे थे कि बस दे ही रहे थे। अरे नहीं भाई, जितना 4 महीने में नहीं पढ़ा होता हमने एग्जाम। ये सही बोल, लास्ट के 10 ही दिन थे जो हम लोग ने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, नहीं तो बाकी तो सब ऐसे ही था। तो अमन आज क्या करने वाले हैं? आज मैं सबसे पहले तो घंटे 2 घंटे मोबाइल चलाऊंगा,
इंस्टा डाउनलोड कर लिया है आज बहुत लोग ने, मैंने भी इंस्टा डाउनलोड कर लिया, काफी सारे लोग ने वापस से इंस्टॉल कर लिया अपना इंस्टा। अब जिसके बाद आज तो क्रिकेट खेलूंगा, वॉलीबॉल भी खेलना है। हाँ तो जय, किसी के साथ जाने वाले हैं क्या कहीं घूमने? जा रहा है क्या? मतलब किसी भी दोस्त के साथ घूमने जाने वाले हैं क्या हम लोग? घूमने जाएंगे। कहाँ जाने वाले? किसके साथ जाने की प्लानिंग है? कुछ बताना चाहेंगे? कोई है मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई कौन कोई हो सकता है। बहुत खास इंसान है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? हाँ, आप किसके साथ जाने वाले हैं? मैं अभी संडे को जा सकता हूँ कहीं घूमने। मूवी कब से मूवी नहीं देखे हैं अभी? मूवी तो मैं बहुत दिनों से नहीं देखा यार, लेकिन हाँ इस संडे को कहीं ना कहीं जा रहा हूँ मैं घूमने के लिए। चलो बढ़िया है, जाना ही है। और खेल क्या, अपने गेम्स को मिस किए? अरे मतलब ग्राउंड रोज खींच रहा था कि आ जाओ, लेकिन जा ही नहीं पा रहे थे एग्जाम भी। अब देखो देखो सर ने बुला ही लिया है, हो रहा है ना कि तैयारी। आप देख सकते हैं कैसे वो छुप छुप के कुछ कर समझ। और खास पर्सन से मिलवाते हैं, वो बालकनी में किसी से बातें हो रही है शायद। ये हसीन पल बालकनी में अकेले में स्पेंड किए जा रहे हैं। भाई ये बहुत दूर से आए हैं। गौतम भाई अपना फेस रिवील नहीं करेंगे क्या? उन्हें लग रहा है कहीं लड़कियां फ्लैट ना हो जाएं, सो हम साइड से आपको दिखा देते हैं। भाई आज एग्जाम खत्म हो गया तो कहाँ घूमने जाने वाले? फिल्म देखने। मूवी देख? मैं मरीन ड्राइव जा रहा हूँ। मरीन ड्राइव अकेले या घर सर्कल से आएगा या चिल करने के लिए? और यहाँ कितने, देखिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अनुमोलू भी जा रहा है। ठीक है भाई, जाना खूब मजे करना। और बाहर डिनर वहीं करने वाले हैं क्या? हाँ। बाहर ही। सो गाइस, इफ यू हैव एंजॉयड द वीडियो सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।